वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल स्मार्ट सपोर्ट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं आज से जल्दी से चंद्रग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज की मीनिंग ऑफ द डे है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैनल से अभी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट के थ्रू बताइए क्या फ्रेंड्स ये मैं मीनिंग ऑफ द डे सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है नहीं हो रही है जरूर बताएं मुझे फ्रेंड्स कमेंट में लिखकर। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की मीनिंग ऑफ द डे की। फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ द डे चंद्रग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स इतना आप ध्यान रखें कि अगर आपको इंग्लिश वाले समावेश में रह रहे हैं आप, तो आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आने चाहिए। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है आप किसी की भी बात को समझा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक्सपीरियंस कीजिए, आप एक्सपीरियंस करेंगे तब ही आप मेरी बात को समझ पाएंगे, अन्यथा आपको सुनने से इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपको हर वर्ड की अगर आपको इंग्लिश पता, भैया इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं ना, इसको चंद्रगढ़ पढ़ रहा है, इसको ये कहते हैं सूर्यगढ़ पढ़ रहा है, ये होता है, ये होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये बात हमें कोई भी इंग्लिश में बोलेगा हम समझेंगे हाँ भाई ये चंद्रगढ़ की बात कर रहा है, सूर्यगढ़ की बात कर रहा है, और उसी वर्ड्स के थ्रू हम समझा सकते हैं। फ्रेंड्स आप एक्सपीरियंस करें, हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी हर मीनिंग को लर्न करें, एक वक्त ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स आपको हर वर्ड की इंग्लिश पता चलेगी। और फ्रेंड्स इतना जानने के बाद में कोई खास ज़्यादा काम नहीं होता है फिर इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा सीखने का, अगर आप नॉर्मल और मीडियम फैमिली में बिलोंग करते हैं तो। फ्रेंड्स अगर आप कहीं ऑफिस में आप और इंग्लिश वाले समावेश में ही रह रहे हैं वहाँ तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए चाहिए ना। तो फ्रेंड्स चलिए मीनिंग ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो चंद्रगढ़ को लूनार इक्लिप्स कहते हैं। फ्रेंड्स कुछ लोगों की कमेंट आई थी मेरे पास कि भाई आप समय ज़्यादा लगाते, भाई समझाना तो पड़ेगा यार, है ना, कि ये मीनिंग आपके लिए कहाँ यूजफुल है, कैसे यूजफुल है ना, समझाना तो पड़ेगा यार, आप बुद्धिजीवी हैं इतना तो समझना चाहिए आपको, है ना। तो इसीलिए मैं इतना समय लेता हूँ, एक मिनट आपका समय ले लिया तो इतना ख़राब समय नहीं कर दिया मैंने, इतना मैं भी जानता हूँ, है ना। चलिए मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल से अभी जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को।